अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कलेजी संगदाने और दिल मिक्स बनाऊंगी, जिस तरीके से हम गाय का बनाते हैं कलेजी गुर्दे और पूरा सेट, इस तरीके से हम यहाँ आज चिकन का बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार और लजीज बनने वाला है। कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको वॉश कैसे कर सकते हैं। इसका एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ संगदाने मैं पहले से ही वॉश कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कितना साफ नीट एंड क्लीन है। तो इसी तरह इसको वॉश कैसे करना है ये मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पहले किस तरीके से था। आपको ये पूरी जितनी भी इसकी चर्बी होती है, जो भी कुछ लगा होता है, आपने अच्छे तरीके से वाटर से प्रॉपरली इसको वॉश करना है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, इसमें कुछ भी गंदगी लगी ना रहे। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो इसको वॉश करना ही होता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जब ये बनेगा तो इट वर्थ इट, आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप बार बार ट्राई करेंगे। तो गाइस, जैसे बाज़ारों में कुछ लोग इसको बारबेक्यू की तरह सीखों पर जो है वो बना के सेल करते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करके खाते हैं, तो आज मैं इसको भूनूंगी। और इसको भूनना कैसे है, ये बहुत ही लजीज चटपटा बिल्कुल मसाले में लतपत बनेगा, तो आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल देखिए साफ़ हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली मैंने इसको वॉश किया है। आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छे से वॉश करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कलेजी और तिल को किस तरीके से वॉश करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लड के कुछ क्लॉट्स होते हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से निकालना है और बिल्कुल सफाई से इसको साफ करना है। तो देखिए यहाँ पर दिल और कलेजी भी बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुके हैं, ये बिल्कुल प्रॉपरली मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन लिया है और कुछ मैंने अदरक लिया है, इसको मैं बिल्कुल फ्रेश चॉप करूँगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर इसको जो है वो चॉप कर लूँगी। आप जो है वो ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ताज़ा बनाती हूँ क्योंकि जो ताज़े अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब मैं कढ़ाई के अंदर जो है वो हाफ कप ऑयल लूँगी और ऑयल गर्म होने के बाद आपने संगदाने दिल कलेजी सब कुछ इसके अंदर डालना है। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने तब तक इसको कुक करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब आपने इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से 5 मिनट तक पकाना है, कुक करना है। पहले हम इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करेंगे। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। बहुत ही कम लोग जो है वो ये डिश बनाना जानते हैं और बहुत ही कम लोग ये अच्छी बना पाते हैं, तो इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ और हल्दी डालने के बाद इसका इतने मज़े का अरोमे की जो खुशबू आती है ना वो बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही इसका आप कलर देखिएगा एकदम से चेंज हो जाएगा, खूबसूरत से कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, ज़ीरा लिया है मैंने, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ी इलायची ली है मैंने, सफ़ेद ज़ीरा लिया है और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि संगदाने जो हैं वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं, तो यहाँ मैंने 2 गिलास वाटर इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको 25 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं 25 मिनट के बाद पानी इसका हाफ रह गया था। तो गाइज़ अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें
और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपने दोनों कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चों का 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप योगर्ट। और अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको भूनना है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है अब कि इसका जो ये वाटर है ये ख़त्म हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला बिल्कुल बोटियों के अंदर लग जाए। आपने ऐसे ही इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं इसका वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है 10 मिनट पकाने के बाद, ऑयल आ चुका है और मसाला बोटियों में लथपथ हो चुका है। और आपने देखा इसकी शक्ल एकदम से बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। इसके अंदर आपने कुछ हरी मिर्चें ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून आपने कसूरी मेथी का इसके अंदर शामिल करना है और आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है इसको मिक्स करने के बाद। और अब यहाँ पर मैंने कोयला लिया था, कोयले को मैंने इस तरीके से पका लिया था। और उसके बाद आपने इसके अंदर कोयले का धुआं देना है और ढक देना है। और अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह इतने मज़ेदार और लजीज बना था। आप चाहें तो इसको रोटी से भी खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही लजीज बना था। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।